इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जिले में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण होते ही पुलिस परेड ग्राउंड जन गण मन अधिनायक जय है की गूंज से गुंजायमान हो उठा। इस अवसर पर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन भी किया। कलेक्टर एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक प्रशासक शीलेंद्र सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर्व पर आज सहकारी केंद्रीय बैंक में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपची, उपायुक्त सहकारी संस्थाएं घनश्याम डेहरिया, बैंक प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी ए के जैन, अन्य कर्मचारी और बैंक के स्थानीय शाखा कृषि गांधीगंज, अमानत शाखा के कर्मचारी व शाखा प्रभारी और मुख्यालय के सभी कक्षों के कक्ष प्रभारी मौजूद रहे। मिडास कोचिंग संस्था सौंसर के बच्चों ने एक बार फिर इतिहास रचा है। मिडास कोचिंग संस्था के 72 से अधिक बच्चे JEE मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर IIT एडवांस परीक्षा के लिए चयन हुए। हर तरफ मिडास का ही नाम चर्चा में है और हो भी क्यों ना। जिले के सबसे प्रसिद्ध एवं भरोसेमंद संस्था मिडास कोचिंग संस्था सौंसर के बच्चों ने लगातार हर साल की तरह इस साल 2024 में भी पूरे पांडुर्णा एवं छिंदवाड़ा जिले में JEE मेंस के परिणामों में टॉप कर परचम लहराया है। 72 से अधिक बच्चों ने JEE मेंस 2024 की परीक्षा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत विशेष भोज का आयोजन किया गया। सांसद विवेक बंटी साहू और कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने शासकीय हाई स्कूल सागर पेशा में आयोजित मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में स्कूली बच्चों व अधिकारियों के साथ बैठकर खीर पूड़ी और स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया। उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत में दीप प्रज्वलन कर भारत माता, महात्मा गांधी व सरस्वती माता के चित्रों पर माल्यार्पण किया और कन्याओं का पूजन किया। इस दौरान SP मनीष खत्री, ADM केसी बोपचे, भाजपा जिलाध्यक्ष शेष राव यादव समेत अन्य पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। देहात थाना क्षेत्र के परासिया रोड स्थित त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में चौथी मंजिल से गिरकर एक युवती की मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही थी। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि वह खुद कूदी या अनियंत्रित होकर गिरी है या फिर उसे किसी ने धक्का दिया है, फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल मृतक युवती हरदा जिले के ट्रेनी डॉक्टर के रूप में पदस्थ थी और पिछले कुछ दिनों से रक्षाबंधन के कार्यक्रम के कारण घर आई थी। इस घटनाक्रम के बाद परिवार में मातम पसर गया है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं।
जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड 19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर राजीव गांधी भवन कांग्रेस कार्यालय में तिरंगा फहराया गया। उसके उपरांत राष्ट्रगान का वाचन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकेटे, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी समेत सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।